बगिया को कैसे उजर जाम देंगे। लेकिन इस योग वाटिका को अवैध रूप से इनकी कटाई। जनपद गाजियाबाद के लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम शास्त्री नगर के केसी ब्लॉक में यह हॉकी स्टेडियम लगभग 4 एकड़ में बना हुआ है। इस स्टेडियम में रोजाना शास्त्री नगर और आसपास के लोग, महिलाएं व बच्चे सुबह शाम टहलने आते हैं और अपने अपने खेलों की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी स्टेडियम के साइड में यहाँ के लोगों ने एक छोटी सी लगभग 300 गज जगह में एक योगा वाटिका बना रखी है। इस वाटिका में लोग नियमित योग करते हैं। इस वाटिका में अनेकों तरह के फूलों और फलों के पौधे भी लगा रखे हैं, जिसकी देखभाल व साफ सफाई ये लोग खुद करते हैं। योगा वाटिका में जो भी खर्चा होता है, यहाँ के लोग उस खर्चे को खुद ही वहन करते हैं। ये स्टेडियम विकास प्राधिकरण यानी GDA के अंदर आता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि इस स्टेडियम का ठेका GDA ने किसी ठेकेदार को दे दिया है और अब वह इसको नष्ट करना चाहते हैं और इस हॉकी स्टेडियम को क्रिकेट स्टेडियम में बदलने की तैयारी की जा रही है। भारतीय खेल हॉकी को दरकिनार करते हुए विदेशी खेल क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है और GDA ने जिसको ये ठेका दिया है उस कॉन्ट्रैक्टर राहुल से बात करते हुए लोगों को ये बताया गया कि हमने इतना मोटा पैसा क्यों दिया है, ताकि हम इससे और पैसा कमा सके और हम इसको क्रिकेट स्टेडियम में इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि आजकल हॉकी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। तो आइए लोगों से ही जान लेते हैं कि आगे क्या हुआ। मेरा नाम सर रजनीश पालीवाल है। मैं योगा वाटिका को काफ़ी साल से चला रहा हूँ सर। बेसिकली पहले यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, 3 साल से मैंने इसको डेवलपमेंट किया है। धीरे धीरे मैंने पेड़ लगाना स्टार्ट किया, आज ही करीब पेड़ तो मैंने बहुत साल से लगा रहा हूँ, तो इस वाटिका को मैंने 3 साल में पूरा डेवलप किया हुआ है। और यहाँ अगर आप पेड़ देखेंगे तो 10-10 साल पुराने पेड़ भी हैं, जिनको अब ये कहा जा रहा है कि ये पूरी वाटिका को काटा जाएगा। इसलिए काटा जाएगा सर, इसलिए काटा जाएगा क्योंकि कुछ नए कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आ गए हैं। पहले ये 3 साल से पूरा बंजर पड़ा था, कोई प्रशासन नहीं इसको जागा। हमने कितनी कंप्लेन कराई सर, इसकी साफ़ सफाई करा दीजिए, इसको थोड़ा मेंटेन करके रखिए, लेकिन कोई प्रशासन ने नहीं सुनी, ना GDA ने, नगर निगम ने। तो हमने धीरे धीरे इसको डेवलप किया, खूब अच्छी ग्रीनरी लगाई, आपके सामने है, सारे पेड़ पौधे लगाए, लेकिन अब नए कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं, वो अपने हिसाब से इसको चलाना चाहते हैं। GL यादव एडवोकेट, मैं भी पीछे 15-20 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और योग वाटिका से जुड़ा हुआ हूँ और योग वाटिका में इनका, रजनीश जी का काफ़ी योगदान है, पेड़ पौधे लगाना, वो करना, सिंचाई वगैरह करना। हम लोग अपने पैसे से पाइप वगैरह खरीद के सब कुछ करते हैं और हर पर्व पर यहाँ कोई ना कोई राष्ट्रीय पर्व जो सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा होता है, कोई ना कोई प्रतिनिधि आता है, कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करते हैं और योगा हम लोग रेगुलर रूप से 5 से लेकर 7 बजे तक करते हैं सर। और लगभग हमारे 30-35 लोग हैं, अखिल भारतीय योग संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के वृक्ष ना कटें, पर्यावरण को किसी तरह से प्रदूषित ना किया जाए। जो सरकार की मंशा है, भारत सरकार की मंशा है, हमारे प्रदेश सरकार की मंशा है, हम लोग चाहते हैं कि ये इसी तरह हरियाली बनी रहे सर, यही आपसे निवेदन है। वो हॉकी स्टेडियम चले, क्रिकेट स्टेडियम चले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस योग वाटिका को और वृक्षों को अवैध रूप से इनकी कटाई ना की जाए सर, यही हमारा निवेदन है आपसे। मेरा नाम बिमलेश है, मैं रजापुर के रहने वाली हूँ। हम 18 साल से यहाँ योगा करते हैं। इस योगा वाटिका में हमने सबने मिलकर इतना सुधार किया है, हम सब त्योहार 15 अगस्त 26 जनवरी दीपावली जन्माष्टमी सब त्योहार हम यहीं मनाते हैं। और जो ये रजनीश जी हैं, ये रजनीश जी जब यहाँ पे आए थे, यहाँ एक भी पौधा नहीं था, इन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च करके रजनीश जी ने इस बगिया में ये पौधे लगाए हैं और 4 बजे उठ कर इन पौधों को रोज सींचते हैं और लोगों को जलन होती है कि इनकी बगिया इतनी सुंदर कैसे होगी। इन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करे, यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, हम सब लोगों ने पैसे इकट्ठे करके पैप मंगाया, पानी की सुविधा की। तो ऐसे बगिया को कैसे उजड़ जान देंगे, हमारी जान चली जाएगी पर वचन नहीं जाएगा, हम बगिया को नहीं उजड़न देंगे, एक पेड़ भी हम नहीं कटने देंगे, सब मिल के हमारे योगा वाले।